हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। ये नंबर टेस्ट नंबर है 41, जिसको हम करेंगे एक साथ। इससे पहले तद्भव सत्सम और विशेष विशेष सर सब कुछ करवाए जाएंगे आपको। तो ये है एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, इसको हम करेंगे टेस्ट नंबर 41। तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और घटना चक्र का सारा सीरीज करिए, साथ ही साथ टेस्ट करिए। बहुत सारे टेस्ट कराए गए, यूपीपीसी, सारो, यारो, यूपीपीसी, यूपीएससी और सबका टेस्ट कराया जा रहा है। साथ ही घटना चक्र का सब सब्जेक्ट करवाया गया है और रीजन का मैगजीन भी करवाया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और टेस्ट को एंजॉय करिए। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टेस्ट, जो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ग्रंथ के पहला क्वेश्चन है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसका है परिशिष्ट। ठीक है, कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है जिसका ईश्वर में विश्वास हो नास्तिक होता है? तो जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक होगा, ना कि नास्तिक होगा। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय होगा। 100 वर्षों का समूह शताब्दी होगा। जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय होगा। सही युग्म की पहचान कीजिए, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा, और गिरा हुआ धराशायी, और जिसको छोड़ा ना जा सके अत्याचे। सी सही है, जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु बोलते हैं। गिरा हुआ पतित होता है। आधी रात का समय निषिद्ध होता है। पृथ्वी पर लेटा हुआ धराशायी होता है। तारों भरी रात विभा भरी बोलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए, जो सब कुछ जानता हो बहुज्ञ होगा। जो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति अधिवक्ता होता है। तो दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होगा। जो अधिक बोलने वाला हो वचाल होगा। जो बहुत से विषयों का जानकार हो बहुज्ञ होगा। न्यायालय का वकील अधिवक्ता होगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए शब्द है कानीन। जिसको त्याग दिया गया हो उसके लिए होगा त्यक्त। तो जिसको त्याग दिया हो गया हो त्यक्त तो होगा। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य होगा। जिसे त्यागा ना जा सके त्याज्य होगा। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ होगा। जो व्यक्ति संसारिक विषय भोग से रहित हो वह होता है निरीह। जो व्यक्ति संसारिक विषय भोग से रहित हो निरीह होता है। जिसे किसी बात की स्पृहा ना हो निष्प्रिय होता है। रात्रि के मध्य भाग का समय निषिद्ध होता है। जो मांस न खाता हो निरामिष होता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है वह है निर्मम। और जिसके मन में दया ना हो निर्दयी होता है। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम होता है। जो भय से भयभीत ना हो निर्भय होता है। जिसमें सतरज तम तीनों गुणों से गुण ना हो उसे निर्गुण बोलते हैं। सोना का वो भाग जो सबसे आगे रहता है उसे बोलते हैं हरावल। सॉरी, सेना का, ना कि सोना का। सेना का वो भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल होता है। खली में सान कर दिया जाने वाला चारा सानी होता है। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी हौदा होती है। और हैरम जो होते भगवान गणपति का एक नाम है। और लंबे समय तक जीने वाले को बोलते हैं चिरंजीवी। चिराकाल तथा जीवित रहने वाला चिरंजीवी होता है। चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थाई होता है। चिरंतन बहुत दिनों से चला आने वाला पुरातन प्राचीन पुरातन। जिसके हाथों में चक्र चक्रपाणि चक्रधारी हो। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, वर्षा का अभाव अनावृष्टि होता है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। तो पहला दोनों दोनों सही है। समुद्र में लगने वाली आग के लिए वाक्यांश है बड़वा नल। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल बोलते हैं। जंगल में लगने वाली गेदावा नल बोलते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठरा नल बोलते हैं। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वह है नारकी। नरक संबंधित या नरक में रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है नारकी। जो ईश्वर में को ना मानता वह नास्तिक होता है। नगर में रहने वाला नागरिक होता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द जोड़े में से सही जोड़े बताइए, तो है जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो प्रवासी होता है। बाकी सब सही नहीं है। देखते हैं, हवन कुंड की अग्नि को हवनाग्नि बोलते हैं। याग्नि याज्ञाग्नि यज्ञ की अग्नि को बोलते हैं। नीचे की ओर लाना खींचना अपकर्ष होता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय होता है। जिसको पूर्व से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है ऐसड़ा है। संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐसड़ा कहलाती है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो अपनी इच्छा अवलंबित ऐच्छिक होता है। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से एक वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, वह होता है जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका परिणाम निकलता उसे अनिर्णायक बोलते हैं। जिसका या किसी के साथ संबंध में कोई निर्णय ना हुआ अनिर्णित बोलते हैं। जो तय निश्चित ना हो उसे अनिश्चित बोलते हैं। अपना मंतव्य साधने वाले को स्वार्थी बोलते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित होता है।
और इसमें दोनों के दोनों सही हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो उसके लिए समावर्तन है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, समावर्तन कहलाता है। समावर्तन संस्कार हिंदुओं का 12वां संस्कार भी है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उसके शब्द है चंद्रशेखर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र उन्हें बोलते हैं दिगंबर, और विष्णु को विश्वंभर बोलते हैं। 100 में 100 के लिए एक शब्द है तो उसे बोलते हैं शत प्रतिशत। और सुमेरी तो वाग्म की पहचान करना है, जिसका शत्रु ही न जन्मा उसे अजन्मा बोलते हैं, गलत है, उसे अजाशत्रु बोलते हैं। और जो बहुत मंद गति से कार्य करता मंथर होता है, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी होता है, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ होता है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसके लिए उपयुक्त शब्द है दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, और जिसे वश में करना कठिन हो, जिसे परास्त करना कठिन हो और प्रबल होता है प्रचंड उग्र, जिसे दबाया न जा सके, दुर्भिक्ष के लिए भी होता है। दुर्धर्ष के अनेक समानार्थी हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में गलत विकल्प की पहचान कीजिए। तो जो विश्वास करने योग्य विश्वसनीय होता है, जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय होता है, दो भाषाओं में बोलने वाला द्विभाषी होता है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना आलोचक होता है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषण कहलाता है, तथा डी सही नहीं है, गुण दोष की विवेचना करने वाला आलोचक कहलाता है। निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? तो वह है अत्याज्य। और अत्याज्य वो होता है जो छोड़ने योग्य हो, अक्षम्य वो होता है जो क्षमा करने योग्य हो और क्षमा न करने योग्य हो, अभियुक्त तो होता है जिसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा में आरोप लगाया जाता है। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसके लिए है अथमना। सूर्य के अस्त होने की दिशा, वह पूरब के सामने दिशा के लिए शब्द है अथमना। सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति होती है अरिमा में, और अध्यर्थ होता है वायु जो सबको धारण करने वाली और बढ़ाने वाली है, सारे संसार व्याप्त होती है, जो निष्फल ना हो अमोघ होता है। नैष्ठिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? नैष्ठिक होता है आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला होता है वह ब्रह्मचारी जो उपनयन काल से लेकर मरण काल तक ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु के आश्रम में रहे। नैष्ठिक सामान्य अर्थ निष्ठावान। नवोढ़ा जिसकी अभी विवाह न हुआ हो, निष्काम जिसकी कोई कामना ना हो, दुर्लभ जिसको लांघना कठिन हो। जिसका सुमेरी सही नहीं है वह है युग बदलने वाला, युगांतरकारी जिसे देख देख कर रोंगटे खड़े हो जाए, लोभ हर्षक होता है, जो लौट गया हो उसे प्रत्यागत बोलते हैं, जो नव में चलता हो नवचाली। तो डी असुमेलित है, जो नव में चलता हो उसके वाक्यांश के लिए है खेचर। चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त शब्द है जिसकी चार भुजाएं हो, ठीक है, जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज होता है। धर्मशास्त्र में चार वर्णों को बोलते हैं चतुर्वर्ण, और चार युग को बोलते हैं चतुर्युग, और चार आनन को बोलते हैं चतुरानन, और चार वेदों को जानने वाले को चतुर्वेदी बोलते हैं, चारों ओर से घिरा को परिवेष्टिका बोलते हैं, चारों युगों से चौथा कला का युग होगा कलयुग, और चारों अंगों से सुसज्जित सेना होगी छौहेड़ी, और चारों ओर की सीमा चौहद्दी होगी, चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग टापू होगा, जिसके चार पैर हों चतुष्पद होता है, बरसात के 4 महीने चौमासा होता है। जो कष्ट सहन कर सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है कष्ट सहिष्णु, ठीक है। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता कहलाती है तकावी। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी कहलाती है। जिजीविषा जीने की इच्छा, आजीविका वृत्ति या रोजगार, और उपादान किसी वस्तु की तृष्णा से उसे ग्रहण करने की प्रवृत्ति। वाक्यांश और उनके लिए उपयुक्त शब्दों में निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो वह कान के नीचे लटकता हुआ भाग कड़ा भरण होता है, वीर पुत्र को जन्म देने वाला वीरांगना होता है, जिसका उपचार न हो सके दुहास दुशास से होता है, उत्तर द्वारा खंडन करने को कहा प्रतियुक्त होता है, ठीक है। तो डी जो है ये हुआ सही, ठीक है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू होती है, जिसका उपचार ना हो सके असाध्य होता है, अत्यंत कठिनाई से सहन करने योग्य दुस्साहस्य होता है, दुस्सहाय होता है। तो संदेश ले जाने वाला के लिए वाक्यांश सही शब्द है संदेश वाहक। वाक्यांशों और उनके प्रिय प्रतियुक्त शब्दों के विकल्प, निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। तो कौन सा होगा? जो कहीं जाकर लौट आया हो, प्रत्यागत होता है। पेट से सिर तक अपाद मस्तक होता है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट किया जा सके उसे दुर्निवार बोलते हैं, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य होता है। उल्कवाट शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो उल्कवाट जिसके सिर पर बाल ना हो, जिसके सिर पर बाल ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है खलवाट। पुत्री का पौत्र दाहित्र होता है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधिउड़ा होता है, सिरा पर खुदा
लेख अथिरा लेख होता है, जिसमें अपमान का भाव हो और हंसी क्या कहलाती है, वो कहलाती है उपहास। जिसमें कमल से युक्त जलाशय के लिए सही शब्द है वो है पद्याकर, कमल के लिए ठीक है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए सही शब्द है अनिर्वचनीय, ठीक है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, वह नेपथ्य कहलाता है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों की समक्ष दिया गया विद्यता पूर्ण भाषण क्या कहलाता है, वो कहलाता है अभिभाषण। अज्ञ का क्या अर्थ है, अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो वाक्यांश के लिए अज्ञ होता है, जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ होता है, जो जानता ना हो अनभिज्ञ होता है, जो जानता हो अभिज्ञ होता है, जो तीनों लोकों के विषय में जानता हो त्रिकालज्ञ होता है, जो विशेष जानता हो विशेषज्ञ होता है, जो कुछ जानता हो उसे सर्व, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है। पैर से सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द है, वह है अपाद मस्तक। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है विस्थापित, और जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मर्माहत, और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है उसके लिए अपत है। अपत शब्द जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों संदर्भ में प्रयुक्त तो गिरा हुआ पत्ता होता है प्रपड़, वह जिसने पत्ते तक छोड़ दिए हो अर्थात माता पार्वती अपड़ा है। सही युग्म की पहचान कीजिए, तो जो स्त्री सूर्य न दे सके उसे असुर पश्या बोलते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है, जिस पर का उपकार किया गया हो उपकृत नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं जिस पर उपकार न किया हो वो सही है, ये सही अपकृत बोलते हैं। मध्य रात्रि का समय अपराह्न होता है, ठीक है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है, और मध्य रात्रि का समय निषिद्ध होता है, दोपहर का समय मध्याह्न होता है। और देवर्थर शीर्षम में दुर्गा माता के संदर्भ में वर्णन है जिसका तथ्य दिखाई नहीं पड़ता, लक्ष्या। जिसका दमन करना कठिन हो वाक्य लिए उपयुक्त शब्द है उसका है दुर्दमनीय। जिसका दमन करना कठिन हो वाक्यांश के लिए शब्द दुर्दमनीय। अच्युत के अनेकार्थी परमात्मा कृष्ण त्रिशूल स्थिर अविनाशी, जो गिरा ना हो दृढ़ अटल स्थिर नित्य कमर अविनाशी, जो चूक जो ना चूके के लिए त्रुटि ना करे विचलित ना हो। जो कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध होता है, जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जय होता है। जो ढका ना हो के लिए एक शब्द है अनावृत, जो ढका ना हुआ के लिए एक अनावृत होता है अनावृत होता है, जो दोहराया न गया अनावृत हो न लौटने वाला अनावृष्टि वर्षा का अभाव। अशुद्ध की पहचान कीजिए, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे बोलते हैं सदभा, जिसकी गहराई ने नापी जैसे कथा होता है। दूसरों के दोष खोजने वाले को क्या बोलते हैं छिद्रान्वेषी बोलते हैं, ये गलत दिया है अनुसंधान करता नहीं होता है। जो कृतज्ञ ना हो कृतघ्न होता है, ठीक है। नभचर शब्द के लिए एक वाक्य है, नभचर के लिए होता है आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाले वाक्यांश के लिए नभचर होता है। रात्रि में विचरण करने वाला रात्रिचर होता है। छह पैरों वाला खटपद होता है, बुरा आचरण करने वाला दुराचारी होता है। भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या अवस्था कहलाती है उसे अनगारिका कहते हैं। भ्रमणकारी सन्यासी या जीवन अवस्था को अनगारिका कहते हैं। कवरंजा को मजदूर के रूप में दिया जाने वाला खड़ा कर्ण कहते हैं। चषक का मदिरा पीने वाला प्याला होता है। मनोदौर्बल्य मन को कमजोर होने की स्थिति होती है। कौन सा युग्म सही नहीं है, मोतीबंद होने की अवस्था मतिबंध होता है। मन की अवस्था मनोवृत्ति होती है। मंद मंद मुस्कुराने वाली नायिक अनूढ़ा होता है, ठीक है। यही सही, ये सही नहीं है, बाकी सही है। मानने के लिए की गई विनती मनुहार होती है। अविवाहित अवस्था में ही किसी पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री अनूढ़ा कहलाती है, तथा युग्म सही नहीं है, मंद मुस्कुराने वाली नायिका स्मिता होती है। अमावस्या है, अमावस्या मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को बोलते हैं। और लेखक से जीविकोपार्जन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसको मत्स्य जीवी बोलते हैं। लेखन से जीविकोपार्जन करने वाला मत्स्यजीवी कहलाता है। और लाभ या सूद न लेने वाला कुसीद कहलाता है। लोभ करने वाला लोलूप कहलाता है। वह नायिका जिसका पति परदेश में हो उसके लिए है प्रोषित पतिका। वह नायिका जिसका पति परदेश हो प्रोषित पतिका होती है। वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो अगमिष्य पतिका होता है। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका होती है। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो अवश्य पतिका होता है, प्रवत्य पतिका होता है। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए, तो इसमें जो कहा ना जा सके अकथनीय सही है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो वस्त्र को पहना ना गया हो अप्रहत होता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति धरोहर, ये गलत है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है रिक्त या धरोहर, सही है, ये बोल सकते हैं रिक्त है ना कि धरोहर, ठीक है रिक्त है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन काठी होता है। रंगमंच के पर्दे पीछे स्थान पंचविशिष्ट होता है, तो दोनों के दोनों गलत हैं। हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन हौदा होता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है वो होती है पाथे।
और हितकर आहार पथ्य होता है, हल्का थोड़ा भोजन उपाहार होता है, और बहुत थोड़ा सा कम भोजन करना स्वल्पाहार होता है, अल्पाहार। इनमें से एक के लिए प्रयोग शब्द अकिंचन है, अकिंचन है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द हो अकिंचन, जिसे बुलाया गया हो आहूत होता है, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत होता है, जिसका शरीर कंचन जैसा निर्मल अर्थात संपूर्ण स्वस्थ कंचन काया होता है, जो बहुत ही दुखी दीन हो दीन विहीन होता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध वाक्य है समिधा। असुमेली तो भुगमुख पहचान कीजिए तो है, अपने सहारे पर रहने वाला आत्मनिर्भरी होता है, तो अपने सहारे पर रहने वाला के लिए स्वावलंबी होता है, आत्मनिर्भर होता है, ना कि आत्मनिर्भरी होता है। और कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसे संविदा बोलते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने या समझौता वाक्यांश के लिए संविदा होता है। फावड़ा चलाने का काम भाव या मजदूरी बेलदारी होता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला योद्धा होता है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, तो इसमें जो होता है दूसरा सही है, पहला गलत है। युद्ध की इच्छा रखने वालों को युसु बोलते हैं। और वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म की पहचान कीजिए। मान मनता अपना मंतव्य साधने वाला परमार्थी होता है, जिसका उच्चारण न किया गया हो, समुच्चरित होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रुविहीन होता है, अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही होता है। तो डी सही है, बाकी गलत है। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी होता है, जिसका उच्चारण न किया जैसा अनुच्चरित होता है, जिसका कोई शत्रु जन्मा ना जा शत्रु होता है, यथार्थ तत्व को ढूंढने वाला मोक्ष चाहने वाला परमार्थी होता है, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो परार्थी होता है, जिसका उच्चारण समान हो समुच्चरित होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए स्थावर है। जो एक जगह दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द स्थावर है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ लेकिन पतित है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। पृथ्वी पर लेटा हुआ धराशायी होता है, जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ वो कुंठित होता है। पापी व्यक्ति पातिक होता है, पातकी होता है। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। पेट की अग्नि दवाग्नि गलत है, जिसे बुलाया ना गया हो, तो ये पहला गलत है, इसको जठराग्नि बोलते हैं। और जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत होता है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हुआ अत्यंत होता है, जिसका इलाज ना सके असाध्य होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिशाएं ही जिनका वस्त्र विश्वंभर होता है, शिव का आलय शिवालय होता है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। दिशाएं जिसका वस्त्र उसे बोलते हैं दिगंबर। अकिंचन शब्द के लिए वाक्यांश है जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो किंचन होता है, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अत्यंत होता है, जिसकी जीविका निश्चित हो आकाश वृत्ति होती है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर होता है। तो जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है, तो वह है प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है? अंत या नाश करने वाला अंतक होता है, अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह अनुवेश होता है, अधिक पकवास करने वाला अत सही, ये गलत है, और उत्तर या द्वारा खंडन करने वाला प्रत्युक्त होता है। अधिक बकवास करने वाले के लिए शब्द है प्रगल्भ, ना कि आततायी। आततायी का अर्थ है दुष्ट और उपद्रवी। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, एक लिए एक शब्द है विशेषज्ञ। अभिज्ञ होता है जानने वाला, जानकार। और चैतन्य होता है चेतन में होने का भाव। विशिष्ट होता है जिसमें किसी प्रकार का अनूठापन हो। एक से अधिक बातों में से कोई एक है विकल्प। एक से अधिक बातों में कोई एक वाक्यांश के लिए विपरीत होने वाला शब्द है विकल्प। उच्च वर्गीय शासन के लिए एक शब्द है सामंतशाही। उच्च वर्गीय शासन के लिए सामंतशाही शब्द प्रयोग किया जाता है। नौकरशाही का अर्थ है लोकतंत्र से है, जिसमें जनता को शासकीय अधिकारियों चुनने का अधिकार हो। इनमें से एक असुमेली से पहचानी है, तो आंतों में होने वाला आंतरिक होता है, उचित आहार रखने वाला अल्पाहार होता है, हल्का सा भोजन अल्पाहार कहलाता है, और उचित आहार करने वाला उच्चाहारी होता है। बुरे उद्देश्य से ही गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है, तो वह दुरंभि संधि। बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है दुरंभि संधि। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही दुर्भियोजन कहलाती है। जो 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 होता बोया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकृषित। अकिंचन अकुमार के लिए है अकोर। क्षेपक का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो क्षेपक का अर्थ है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। और इंद्री शब्द संबंधित क्या कहलाता है? तो इंद्री ऐन्द्री कहलाता है। इंद्रियों संबंधित ऐन्द्री कहलाता है। इंद्रिया निग्रह इंद्रियों पर किया जाने वाला वश। इंद्रियातीत जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो। और वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे बोलते हैं वियोगिनी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वियोगिनी होता है। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो, के लिए प्रोषित पतिका होता है। विरह में जलने वाली स्त्री के लिए, वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर आया, प्रातः आया हो, के लिए एक शब्द खंडिता।
और आधी रात का समय है निषिद्ध, और अनायत किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वह जो वश में ना हुआ हो। जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द है जी जीविसा। निम्नांकित में से ह्यूमर से सुमेरित नहीं है, जिसे बुलाया न गया अनाहूत, जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो प्रतिष्ठित होता है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसके लिए सही शब्द है लब्ध प्रतिष्ठा। और कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव मसौदा के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए विधेयक है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव मसौदा के लिए एक शब्द विधेयक है। वह आधिकारिक सूचना जो विशेषता राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना होता है, शासन द्वारा निर्मित या लागू नियम कानून अधिनियम होता है, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम है अधिनियम, वह राजकीय सामयिक पत्र जिसमें शासन संबंधी सूचनाएं प्रकाशित हो गजट होता है। हरावल किस वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है, तो सेना का विभाग जो से आगे रहता है। सृजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द है शिश्रिच्छा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है औपनिवेशिक। और जो दबाया जा सके के लिए एक शब्द है, उसे बोलते हैं दमनीय। और लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है, उसे प्रत्यागत बोलते हैं। तैर कर पार करने वाले के लिए एक शब्द है तारक, तारक बोलते हैं। शक्तिशाली दयालु संधिधीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए है धीरोदात। और उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, तो उसे रिक्त बोलते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए शब्द है काली सूची। और तुरंत तो उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है, तो उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति। और स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यभिज्ञान होता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, लौट कर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन होता है। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वाक्यांश के लिए सही शब्द है सदावर्त। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है के लिए सदावर्त है। और सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव, सदा रहने वाले को सदाभाव कहते हैं। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी, या जिसने सब कुछ जान सुना हो, उसे ऋभवश्रुता कहते हैं। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अवय संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है, तो वह है जारज। और जो अवय संतान हो उसके लिए उपयुक्त शब्द जारज है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक हो, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसे कुलीन। जो जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ उसे अत्यंज कहते हैं। पुरंधरी शब्द के लिए कौन सा एक वाक्य उपयुक्त है, तो पुरंधरी के लिए जिस स्त्री के पुत्र पति हो। पुरंधरी शब्द के लिए जिस स्त्री के पुत्र पति हो वाक्य उपयुक्त हो। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता बोलते हैं। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो परकिया, तथा वह स्त्री जिसका पति मर गया हो विधवा कहते हैं। राम ने श्याम को अभियोग लगाया, वाक्य में श्याम क्या है, तो श्याम है अभियुक्त। जो किसी पर अभियोग लगाए उसके लिए अभियोगी होता है। जिस पर अभियोग लगाया जाता है उसे अभियुक्त तो बोलते हैं। यहाँ राम अभियोगी तथा श्याम अभियुक्त है। नोट, जिसमें किसी का कोई हेतु कारण ना हो उसे अहेतुक बोलते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण। ठीक है।